मुंबई से सटे मनोरी गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की मांग को लेकर गांव वालों ने किया हंगामा। जी हां, आपको बता दें कि 3 दिन पहले मनोरी गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके संपर्क में कुछ लोग आ गए थे। जब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मनोरी गांव में पहुंची, उन संपर्क में आए हुए लोगों को क्वारंटाइन कराने के लिए, तब गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और यह मांग करने लगे कि मनोरी गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि हम इसी गांव में पैदा हुए हैं और इसी गांव में मरेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि मनोरी गांव के अंदर ही एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, जहां पर हम लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। बता दें कि कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद घटनास्थल पर गोराई पुलिस की टीम पहुंची। स्थानीय पूर्व नगर सेवक शिवा शेट्टी पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर उन्हें उनके घर वापस भेजे। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र दुबे की इस खास रिपोर्ट को। सर, कल एक मनोरी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का पार्ट गायब था बॉडी का, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। हकीकत क्या है जरा बताइए। नहीं, हकीकत बोले तो वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट मिले, लेकिन अभी तक एक भी कोरोना से डेथ हुआ नहीं है। तो एक तो सबसे पहली बात तो वो फेक बातें हैं। हाँ, लेकिन पब्लिक रास्ते पे उतरी थी 100%। मनोरी गांव के पूरे पब्लिक पूरे रास्ते पे उतरे, क्योंकि एक वहाँ पे पेशेंट जो पॉजिटिव मिला तो उसके रिलेटिव को लेने आए थे, और वो रिलेटिव को लेने आए तो सब पब्लिक ने विरोध किया, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका ने जो चारकोप में कोविड सेंटर बनाया कि मलाड में बनाया, वहाँ पे टाइम पे क्लीनिंग नहीं होता है। वहाँ पे 3-3 दिन कचरा वैसे ही पड़ा रहता है, तो और खाना टाइम पे आता नहीं है। तो वहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है उस पर बराबर सुविधा बराबर नहीं है, तो उसको सब लोगों को पता चलता है। तो वो उनके मांगे भी सही है कि भाई मनोरी गांव के हम लोग जिएंगे भी इधर, मरेंगे भी इधर। तो मेरा एक इतना बड़ा लोक वस्ती है जो मनोरी गांव गोराई गांव है, तो वहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर होना चाहिए। तो उसका पहल अभी वहाँ के सीनियर नारकर साहब और बीएमसी के अधिकारी वगैरह अभी जाँच करके उधर एक क्वारंटाइन सेंटर मांग कर रहे हैं। हाँ, और बाकी ये सब फेक है, जो पार्ट्स गायब है वगैरह, वो सब एक फेक न्यूज़ है।